दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर तंबाकू से कैंसर होता है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके कारण सरकार तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगाती। फैक्ट नंबर एक, दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है और तंबाकू पैदा करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जिसके कारण भारत के 60 लाख किसान इस खेती से जुड़े हुए हैं। यदि सरकार ने तंबाकू पर बैन लगा दिया तो भारत के 60 लाख किसान और उनसे जुड़े हुए 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फैक्ट नंबर दो, दोस्तों यदि सरकार ने तंबाकू के उत्पादों पर बैन लगा दिया तो लोग इसे चोरी छुपे बेचना शुरू कर देंगे, मतलब ब्लैक मार्केट में तंबाकू को बेचना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को तंबाकू से बने प्रोडक्टों को खरीदने में ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा और तो और इसके कारण ब्लैक मार्केट में आम से आम लोग भी जुड़ना शुरू कर देंगे। फैक्ट नंबर तीन, दोस्तों इसका तीसरा और सबसे मुख्य कारण यह है कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार तंबाकू से बने प्रोडक्टों पर अच्छा खासा टैक्स लगाकर कंपनियों से टैक्स वसूल करती है। यदि सरकार ने तंबाकू से बने प्रोडक्टों को बैन कर दिया तो सरकार को अरबों खरबों रुपयों का नुकसान होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी, जिससे सारा पैसा ब्लैक मार्केट की जेब में जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।